छोले और पनीर बनाने के लिए मैं सबसे पहले छोले ऐड कर रही हूँ एक प्रेशर कुकर में। इन छोलों को मैंने भिगो के रखा है ओवरनाइट। 1 कप छोले लिए थे मैंने काबुली चने, और इनको अच्छी तरीके से धो करके रात भर के लिए सोक कर दिया। अब सारा पानी निकाल करके इसको मैं एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी 2 तेज़पात के पत्ते और 2 लौंग डालूंगी और 1 बड़ी इलायची डालूंगी। और इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से, और पानी डालेंगे इसमें। तो 2 कप पानी डाल करके इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो एक विसल लगाएंगे हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसको 4 विसल लगा लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। तो हमारे छोले पक रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं मसाला इसके लिए। तो 1 सर्विंग स्पून ऑयल मैंने गरम कर लिया कढ़ाई में, इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा चटकने लगा है तो इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए थे और मिक्सी में बिना पानी के चला लिए हैं। अच्छा सा पेस्ट सा बना लिया है दरदरा सा। आप चाहें तो कद्दूकश करके डाल सकते हैं या फिर बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इसको हम भून लेंगे, और इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है मैंने, तो ये 3-4 मिनट में अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज का जो पेस्ट है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी भुन चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की पेस्ट। तो यहाँ पे लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और उनको मैंने मिक्सी में चला के पेस्ट बना लिया है। आप छोटे छोटे ले रहे हैं, मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 3 ले लीजिए, और टमाटर की पेस्ट बना के ऐड करेंगे। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और नमक लिया है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको भूनेंगे तकरीबन 6-7 मिनट, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ पे मसालों को मैंने 6-7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2-3 मिनट और भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी के बराबर दूध। आप चाहें तो इसमें दूध डाल सकते हैं, दूध ना डालना चाहें तो आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, जो फ्रेश क्रीम आती है मार्केट वाली वो डाल लें, या फिर दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो डालें 1/2 कप के करीब। तो तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डाल लें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैं हमेशा दूध का ही यूज़ करती हूँ जब भी इस तरीके से छोले और पनीर बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा भून गया है, फिर से ऑयल छोड़ने लगा है, और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को मैंने और 2 मिनट भूना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये मसाला भून चुका है, फिर से ऑयल छोड़ने लगा है मसाला। तो अब ये मसाला रेडी है और हमारे छोले भी पक चुके हैं। प्रेशर कुकर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, इसे ओपन कर लेंगे और जो हमने मसाला बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो बड़ी इलायची है इसे निकाल देते हैं, और छोले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसमें डाल देंगे हम मसाला जो हमने बनाया है, वो सारा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला डालने के बाद थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें पनीर भी डालना है और इसे थोड़ी देर पकाना भी है। तो इसमें 1/2 कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ। 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसको हम पकाएंगे। ढक देंगे इसको, और ढक करके इसको 2-3 मिनट पकने देते हैं। पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद आप इसकी फ्लेम को थोड़ा सा लो करके पकाएंगे तो सारा ऑयल जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे छोले बन चुके हैं। आप चाहें तो इस तरीके से छोले भी बना सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, और जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पनीर इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पनीर डाल दिया इसमें, अब इसको हमें 3 से 4 मिनट और पकाना है। तो ढक करके मैंने इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आपका जो पनीर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा ही डाला है, आप अच्छे से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ये पनीर छोले दोनों बन के रेडी हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये छोले पनीर की सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है। ठंडा होने का रीज़न ये था कि ठंडा होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पे सब्जी हमारी थोड़ी सी पहले से गाढ़ी हो गई है।
तो मसालेदार छोले पनीर की सब्ज़ी रेडी है। आप इसे राइस के साथ, नान, कुलचे या पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इसे बनाएं, अपना फीडबैक शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।